हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हम मैलिफिसेंट को देखते हैं, जो कि दरअसल एक छोटी परी होती है। उसके सर पे दो सिंग और उड़ने के लिए पंख होते हैं। दरअसल मैलिफिसेंट एक जादुई क्रीचर होती है, जो कि ऐसे ही जादुई जंगल में रहा करती थी। इस जंगल में मैलिफिसेंट की तरह ही बाकी और भी क्रीचर रहते हैं। ये अलग ही दुनिया थी, जो बाहरी इंसानों से अलग थी। कोई भी इंसान को यहाँ पे आना मुश्किल था। एक दिन मैलिफिसेंट को स्टीफन नाम का एक छोटा लड़का दिखाई देता है, जो कि उसी के उम्र का था। मैलिफिसेंट उसे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो छोटा स्टीफन कहता है कि मैं पास के ही राज्य में रहता हूँ और मुझे यहाँ पे एक हीरा नजर आया था, जिसे मैंने ले लिया है। तो मैलिफिसेंट उस हीरे को वापस लेती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हारे राज्य तक तुम्हें छोड़ आती हूँ। लेकिन स्टीफन कहता है कि मैं चला जाता हूँ। लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम साथ में खेल सकते हैं? तो मैलिफिसेंट उसे कहती है कि दरअसल ये एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहाँ पे आना ठीक नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर मैलिफिसेंट को भी स्टीफन से दोस्ती करनी थी और इसीलिए दोनों हाथ मिलाने जाते हैं। लेकिन तभी मैलिफिसेंट को जोर का करंट लगता है, क्योंकि स्टीफन ने एक लोहे की रिंग पहनी थी। तभी मैलिफिसेंट उसे बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, अगर तुम अगली बार आओगे तो इसे पहन के मत आना। जिसके बाद स्टीफन खुशी खुशी वापस चला जाता है। लेकिन वो जिस राज्य से आया था, उसका राजा इस जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ पे बहुत ही बड़ा खजाना है। यहाँ पे हम स्टीफन को देखते हैं, उसके माता पिता नहीं होते और वो अक्सर कहा करता था कि वो एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। उसे काफी अमीर इंसान बनना था। अब समय के साथ स्टीफन और मैलिफिसेंट काफी अच्छे दोस्त बनते हैं। हमेशा ये लोग खेलते रहते थे और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। स्टीफन जंगल में मैलिफिसेंट के साथ खेलता रहता था और अब देखते ही देखते मैलिफिसेंट 16 साल की हो चुकी थी। दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मैलिफिसेंट स्टीफन को देख यही समझ रही थी कि इंसान इतने भी स्वार्थी नहीं है, शायद वो स्टीफन पर विश्वास कर सकती है। लेकिन काफी दिन होते हैं, वो उससे मिलने ही नहीं आता। और ऐसे ही एक दिन पास का जो राजा रहता है, वो इनके जंगल पर अपने सिपाहियों के साथ हमला करने आता है। मैलिफिसेंट अपने जंगल की सबसे पावरफुल क्रीचर होती है, तो वो गुस्से में उठ खड़ी हो जाती है और राजा को कहती है कि तुम इस जंगल में नहीं आ सके। फिर राजा अपने सेना को मैलिफिसेंट को मारने के ऑर्डर देता है। लेकिन जंगल के बाकी के जादुई क्रीचर भी सेना के ऊपर हमला कर देते हैं और देखते देखते राजा और उसकी पूरी सेना ढेर हो जाती है और गुस्से में राजा को वापस लौटना पड़ता है। और राजा अपने राज्य में ऐलान कर देता है कि जो भी मैलिफिसेंट को मारेगा, उसे वो अपना राज्य देगा और अपनी बेटी की शादी उससे करवाएगा। और इस चुनौती को एक्सेप्ट करता है स्टीफन। यानी मैलिफिसेंट से प्यार का सिर्फ एक नाटक कर रहा था, उसे बस इस किंगडम का राजा बनना था। हम देखते हैं स्टीफन काफी समय के बाद मैलिफिसेंट से मिलने के लिए जाता है। मैलिफिसेंट इसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें हमारी दोस्ती की एक बार भी याद नहीं आई? इस पर स्टीफन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला हूँ और अभी भी मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था कि राजा तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद मैलिफिसेंट भी उसे माफ कर देती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। पर स्टीफन मैलिफिसेंट को एक बेहोशी की दवाई पिला देता है और वो बेहोश होने के बाद उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जादू के कारण वो उसे मार नहीं पाता। पर अगली सुबह जब मैलिफिसेंट की आँख खुलती है, तो वो देखती है कि उसके पंख ही किसी ने काट दिए हैं। वो काफी जख्मी हुई थी, जिसे देख कर मैलिफिसेंट समझ जाती है कि ये काम जरूर स्टीफन का है और वो काफी गुस्सा होती है और जोरों जोरों से चीख के रोने लगती है। तो वही दूसरी तरफ स्टीफन मैलिफिसेंट के पंख राजा को देते हुए कहता है कि मैंने आपका काम पूरा किया है। राजा उससे काफी खुश होता है और उसे नया राजा बनाते हुए अपनी बेटी की शादी स्टीफन से कराता है और स्टीफन का भी सपना पूरा हो जाता है। वही दूसरी तरफ जंगल में मैलिफिसेंट पूरी तरीके से गुस्सेल हो गई थी, उसकी मासूमियत कहीं पे खो गई थी। एक दिन वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मार रहा है, जिसे उसे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उस कौवे को वो इंसान बना देती है। इससे शिकारी डरकर भाग जाता है। फिर वो कौवा जो इंसान बन गया था, वो मैलिफिसेंट के पास आता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक यू कहता है और आगे बताता है कि मैं अब सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा, जो कहोगे वही करूंगा। इसीलिए मैलिफिसेंट उसका नाम डाइवल रखती है। अब डाइवल उसके लिए राजा से इन्फॉर्मेशन ला कर देता है और मैलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन का राज्याभिषेक हुआ है, यानी सिर्फ राजा बनने के लालच में ही उसने उसके पंख काटे थे, इसीलिए उसे इंसानों से नफरत होने लगती है, उसका पूरा भरोसा ही खत्म हो जाता है।
जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ हम राज्य में देखते हैं, जहाँ स्टीफन की शादी भी राजा के बेटी से होती है और उसके कुछ समय के बाद उन्हें एक छोटी सी बेटी पैदा होती है जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा रखा जाता है। इन सारी चीजों से मेलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और जब सेलिब्रेशन चल रहा था इस बात का, तो वो भी चुपचाप राज्य में आती है और वो उस छोटी सी बच्ची के पास आकर उसे कहती है कि तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में सुई चुभेगी जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनते ही सब देख लेते हैं। अब सबको पता चलता है मेलिफिसेंट है, इसीलिए वे लोग डर जाते हैं और स्टीफन उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरे बेटी से मत लो, और उससे दया की भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी मेलिफिसेंट उसे कहती है कि मैं भी एक लड़की थी, याद है तुमने मेरे साथ क्या किया। लेकिन स्टीफन उससे काफी माफी मांगता है, जिसके बाद मेलिफिसेंट पिघल जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे बेटी को उसके 16वें जन्मदिन पर उसका सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी जान बच सकती है। अब स्टीफन इस बात से काफी परेशान होने लगता है। यहाँ पे राज्य में बहुत सारी लोहे की चीजें रहती है, इसीलिए वो 3 पिक्सीज को बुलाता है यानी नन्ही परिया, और उन्हें कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर लेके जाओ जहाँ पे कोई भी लोहे की चीज नहीं हो, और उसे कहना कि उसके बाप मारे गए हैं और उसे 16 साल के बाद ही वापस लेके आना। इसके बाद वो निकलता है जंगल पर हमला करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि जंगल को पूरी तरीके से मेलिफिसेंट ने कवर कर दिया होता है अपनी पावर से, कोई भी इंसान जंगल में नहीं आ सकता था। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस अरोरा को, वो 3 परिया उसे लेकर काफी दूर चली आती है, लेकिन मेलिफिसेंट को पता चल जाता है कि वो कहाँ है, और मेलिफिसेंट उस छोटी बच्ची को देखने के लिए जाती है और उसे डराने की कोशिश भी करती है, लेकिन प्रिंसेस अरोरा उसे देख हंसने लगती है जिससे मेलिफिसेंट का दिल भी पिघलने लगता है क्योंकि मेलिफिसेंट दिल से बुरी नहीं होती। फिर हम उन 3 परियों को देखते हैं जो कि दरअसल बहुत ही लापरवाह होती हैं और अक्सर मेलिफिसेंट प्रिंसेस अरोरा की जान बचाती है, कभी पहाड़ी से नीचे गिरने से, तो कभी पेड़ों से, तो कभी जानवरों से। अब वक्त के साथ साथ अरोरा बड़ी होती है और 15 साल की हो चुकी थी, और ये 3 परियां जिसे यहाँ पे लेके आए थे वो एक बाउंड्री के अंदर जगह थी, उस अरोरा को बाहर जाना मुश्किल था, इसीलिए उसे बाहर जाने की काफी इच्छा होने लगती है। एक दिन वो घर की दीवार पार कर जंगल की ओर जाने लगती है, तभी उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है, इसीलिए वो आवाज देने लगती है कि जो भी कोई है प्लीज मेरे सामने आओ। तभी मेलिफिसेंट जो उसका ख्याल रखने के लिए आसपास ही होती है वो उसके सामने आ जाती है, तो प्रिंसेस अरोरा उसे देख काफी खुश होती है और कहती है कि आप ही हो जो बचपन से मेरा ख्याल रख रहे हो, लेकिन कभी भी आप मेरे सामने नहीं आए, लेकिन आप मेरी गॉड मदर हो, मैं आपको बचपन से पहचानती हूँ, आपके साथ कौवा भी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेलिफिसेंट को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी और इसी के कारण वो बहुत ही खुश होती है। मेलिफिसेंट अरोरा से अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और वो नहीं चाहती थी कि श्राप के कारण प्रिंसेस अरोरा को कुछ भी हो, इसीलिए एक दिन जब अरोरा सो रही होती है तब अपनी सारी पावर से मेलिफिसेंट उसका श्राप वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। इसी बात को लेकर मेलिफिसेंट परेशान होती है क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन जल्द ही आने वाला था। वो प्रार्थना भी करती है जल्दी अरोरा का सच्चा प्यार उसे मिल जाए ताकि श्राप खत्म हो जाए। अब एक दिन जंगल में प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट बात कर रहे होते हैं कि तभी प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ है, क्योंकि सारे परियों के तो पर होते हैं। जिस पर मेलिफिसेंट कहती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे और मैं आसमान में उड़ा करती थी, लेकिन एक लालची इंसान ने मेरे पर मुझसे छीन लिए। और मेलिफिसेंट बहुत ही जोरों से रोने लगती है। ये देखते हुए प्रिंसेस अरोरा को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है कि आप परेशान मत हो, मेरा जल्दी 16वां जन्मदिन आ रहा है, इसके बाद मैं आपके साथ ही रहने के लिए आऊंगी, आप अकेले नहीं हो। लेकिन मेलिफिसेंट को ये सुन के और भी बुरा लगने लगता है क्योंकि उसे पता था 16वें जन्मदिन के बाद क्या होने वाला है। अब प्रिंसेस अरोरा वहां से अपने घर चली जाती है और रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि दरअसल एक प्रिंस फिलिप्स होता है। दोनों भी एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगते हैं। फिर प्रिंसेस अरोरा अपने घर चली जाती है और तीनों भी परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। दरअसल अरोरा मेलिफिसेंट के साथ रहने की बात करने वाली, लेकिन परियों को लगता है कि प्रिंसेस अरोरा को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो अपने माता पिता के साथ उनके राज्य में रहना चाहती है। ये सुनते ही वो तीनों परियां उसे वापस राज्य में लेके आते हैं और राजा के सामने लाकर कहते हैं कि आपके बेटी को वापस आना था। अब यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा को पता नहीं था कि उसके पिता जिंदा है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है।
और कहती कि मैंने आपको बहुत ही मिस किया, मुझे लगा कि शायद मैं अकेली हूँ। लेकिन स्टीफन उसे देख काफी गुस्सा होता है और तीन परियों को कहता है कि मैंने 16वें जन्मदिन के बाद इसे लाने के लिए कहा था, तुम लोगों ने एक दिन पहले उसे लाया है। और सबको हुक्म देता है कि अरोरा को 16वें जन्मदिन तक उसके कमरे में बंद कर दिया जाए और जितने भी लोहे की चीज है वो सारी उससे दूर की जाए, उसे कमरे से बाहर ना आने दिया जाए, उसे कमरे में ही लॉक कर दिया जाता है। लेकिन राजा इस श्राप को रोक नहीं पाता। जैसे प्रिंसेस अरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, श्राप के कारण अरोरा खुद ब खुद एक हथियार बनाने की जगह पे आ जाती है। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स होती है लोहे की, और श्राप की वजह से वो एक सुई को खुद ब खुद टच करती है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाती है। ये देख राजा बहुत ही परेशान होने लगता है, क्योंकि अब अरोरा उठने वाली नहीं थी। तो भाई दूसरी तरफ मैलिफिसेंट को भी ये सारी चीजें सुनकर काफी बुरा लगने लगता है, इसीलिए वो उस लड़के को बुलाती है, यानी प्रिंसेस हेनरी को, क्योंकि मैलिफिसेंट को लग रहा था कि ये वही लड़का है जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिसके कारण अरोरा वापस उठ सकती है, और इसीलिए वो उस लड़के को लेकर उस राज्य में आने लगती है। तो भाई दूसरी जगह पे राज्य में जो तीन परियां होती है वो राजा को कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के पिता हो, आप उसे सच्चा प्यार करते हो, तो आपको उसके माथे पर चूमना चाहिए जिससे वो जग सकती है, हो सकता है आप ही उसका सच्चा प्यार हो। इस पर स्टीफन कहता है कि नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मैलिफिसेंट को धोखा दिया था और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब थोड़ी समय में मैलिफिसेंट प्रिंस हेनरी को वहाँ पे लेकर आती है और वो प्रिंसेस अरोरा के पास जाती है। प्रिंसेस हेनरी उसे किस करता है, लेकिन फिर भी अरोरा जगती नहीं है। मैलिफिसेंट को पता चलता है कि ये इसका सच्चा प्यार नहीं है। ये देखकर मैलिफिसेंट काफी रोने लगती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रही हूँ, प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे याद आ रही है, ये सारी चीजें मैं कभी भी नहीं चाहती थी, उस समय मैं काफी गुस्सा थी। ये कहकर मैलिफिसेंट रोते हुए उसके माथे पर किस करती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि रुकिए गॉड मदर, यानी कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार उसकी गॉड मदर यानी मैलिफिसेंट होती है। फिर अरोरा मैलिफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, मेरे पिता बहुत ही लालची इंसान है, इसलिए मैलिफिसेंट उसे लेकर जाने लगती है। लेकिन तब तक स्टीफन को पता चल गया था कि मैलिफिसेंट यहाँ पे है, इसीलिए वे लोग उसे पकड़ने के लिए मैलिफिसेंट के ऊपर जाल डाल देते हैं। ये लोहे का जाल होता है ताकि वो कमजोर हो, इसके कारण मैलिफिसेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर होने लगती है। लेकिन उसकी जादू अभी भी काम कर रही होती है, इसीलिए वो अपने कौवे को ड्रैगन बना देती है। फिर वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालने लगता है और आसपास के मौजूद सारी चीजों को वो जलाने लगता है, और देखते देखते मैलिफिसेंट भी आजाद हो जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर स्टीफन और उसके लोग आ जाते हैं, उसने एक शील्ड पहनी होती है ताकि मैलिफिसेंट को हमेशा के लिए वो मार दे। तो वही दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मैलिफिसेंट के वही पंख नजर आते हैं जो एक शोकेस में रखे होते हैं। यहाँ पर पंख भी काफी फड़फड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था मैलिफिसेंट भी यहाँ पर ही है, इसलिए प्रिंसेस अरोरा उन पंखों को आजाद कर देती है और वो पंख उड़ते हुए मैलिफिसेंट के पास आकर उसके शरीर में जुड़ जाते हैं और मैलिफिसेंट दोबारा से उड़ने लगती है और स्टीफन को अपने साथ उड़ा लेती है। लेकिन उसे कैसल से वो नीचे नहीं गिराती, स्टीफन उस पर हमला करने लगता है जिसकी वजह से वो दोनों ही कैसल से नीचे गिरने लगते हैं। स्टीफन ने मैलिफिसेंट के पंख पकड़े होते हैं ताकि वो उड़ ना सके, लेकिन जैसे ही वो लोग जमीन पर गिरने वाले होते हैं मैलिफिसेंट अपने पूरे पंख खोल देती है और उड़ने लगती है, पर इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है और उसी के साथ स्टीफन के बुरे कर्म भी खत्म हो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट उन सभी बाउंड्रीज को हटा देती है जो उसने जंगल के चारों तरफ बनाई थी। वहां पर वापस फूल खिलने लगते हैं और हरियाली वापस आ जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है कि आज से तुम इस जंगल की क्वीन हो और ये जंगल आपस में मिलके रह सकते हैं, और सब लोग खुशी से रहने लगते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।